हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 90 के दशक के बॉलीवुड के सुपरस्टार्स गोविंदा सर और एक्शन से भरपूर फिल्में देने वाले सुनील शेट्टी की फिल्मों के बारे में। जानेंगे 1990 से लेकर 1999 तक की सभी फिल्में और साथ ही जानेंगे इन सभी फिल्मों का वर्डिक्ट और देखेंगे इन दोनों सुपरस्टार्स में से कौन बना 90 के दशक का असली सुपरस्टार। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताइए कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, 90 के दशक का गोविंदा या फिर सुनील शेट्टी। तो शुरुआत करेंगे गोविंदा की फिल्मों से। सन 1991 में गोविंदा की कुल मिला के 4 फिल्में आईं। नंबर 1 है हम, जो कि सुपरहिट साबित हुई। दूसरी फिल्म रही कौन करे कुर्बानी, ये फिल्म डिजास्टर साबित रही थी। वहीं तीसरी फिल्म थी भाभी, ये फिल्म फ्लॉप रही। चौथी फिल्म रही रईस ज़ादा, ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। वहीं 1992 में गोविंदा की कुल मिला के 6 फिल्में आईं। नंबर 1 है शोला और शबनम, ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दूसरी फिल्म थी जान से प्यारा, ये फिल्म फ्लॉप रही। वहीं तीसरी फिल्म थी राधा का संगम, ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। चौथी फिल्म रही जुल्म की हुकूमत, ये फिल्म एवरेज रही। और वहीं पांचवी फिल्म थी नाच गोविंदा नाच, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और छठवीं फिल्म थी बाज, ये फिल्म ब्लो एवरेज रही। गोविंदा सर की 1993 में 7 फिल्में आईं। नंबर 1 है आंखें, ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरी फिल्म थी प्रतीक्षा, ये फिल्म फ्लॉप रही। और तीसरी फिल्म थी मुकाबला, ये फिल्म एवरेज रही। वहीं चौथी फिल्म थी जन्मों का हिसाब, ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। पांचवी फिल्म थी आदमी खिलौना है, ये फिल्म हिट साबित हुई। वहीं छठवीं फिल्म थी भाग्यवान और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और सातवीं फिल्म थी तेरी पायल मेरे गीत, ये फिल्म डिजास्टर रही। वहीं 1994 में गोविंदा की कुल मिला के 8 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी राजा बाबू, ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दूसरी फिल्म थी दुलारा, ये फिल्म एवरेज रही। और तीसरी फिल्म थी प्रेम शक्ति, ये फिल्म डिजास्टर रही। वहीं चौथी फिल्म थी खुद्दार, ये फिल्म सेमी हिट रही। वहीं पांचवी फिल्म थी इक्का राजा रानी, ये फिल्म फ्लॉप रही। और छठवीं फिल्म थी आग, ये फिल्म फ्लॉप रही। और सातवीं फिल्म थी ब्रह्मा, ये फिल्म भी फ्लॉप रही। वहीं आठवीं फिल्म थी बेटा हो तो ऐसा, ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। वहीं 1995 में गोविंदा सर की 6 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी आंदोलन, ये फिल्म एवरेज रही। दूसरी फिल्म रही हथकड़ी, ये फिल्म ब्लो एवरेज रही। वहीं तीसरी फिल्म थी किस्मत, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और चौथी फिल्म थी कुली नंबर 1, ये फिल्म सुपर हिट रही। वहीं पांचवी फिल्म थी रॉक डांसर, ये फिल्म डिजास्टर रही। और छठवीं फिल्म थी द गैम्बलर, ये फिल्म फ्लॉप रही। 1996 में गोविंदा सर की 4 फिल्में आईं। पहली फिल्म रही साजन चले ससुराल, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। वहीं दूसरी फिल्म रही माहिर, ये फिल्म डिजास्टर रही। और तीसरी फिल्म थी जोरदार और ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। और चौथी फिल्म थी छोटे सरकार, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 1997 में गोविंदा सर की 6 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी हीरो नंबर 1, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। और दूसरी फिल्म थी अग्निचक्र, ये फिल्म डिजास्टर रही। वहीं तीसरी फिल्म थी बनारसी बाबू, ये फिल्म फ्लॉप रही। और चौथी फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ और ये फिल्म फ्लॉप रही। वहीं पांचवी फिल्म थी दीवाना मस्ताना, ये फिल्म हिट साबित हुई। और छठवीं फिल्म थी नसीब, ये फिल्म डिजास्टर रही। 1998 में 6 फिल्में आईं गोविंदा सर की। पहली फिल्म थी आंटी नंबर 1, ये फिल्म ब्लो एवरेज रही। वहीं दूसरी फिल्म थी अचानक, ये फिल्म फ्लॉप रही। और तीसरी फिल्म थी दूल्हे राजा, ये फिल्म हिट रही। वहीं चौथी फिल्म थी महाराजा, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। और पांचवी फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये फिल्म हिट साबित हुई। और छठवीं फिल्म थी परदेसी बाबू, ये फिल्म फ्लॉप रही। 1999 में गोविंदा सर की 4 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। दूसरी फिल्म थी राजा जी, ये फिल्म फ्लॉप रही। और तीसरी फिल्म थी हसीना मान जाएगी, ये फिल्म हिट साबित हुई। और चौथी फिल्म थी हम तुम पर मरते हैं, ये फिल्म फ्लॉप रही। इस तरह से 1991 से लेकर 1999 तक गोविंदा सर की 50 फिल्में रहीं।
जिनमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एक फिल्म रही, सुपर हिट 6 फिल्में रही, हिट 5 फिल्में रही, सेमी हिट 2 फिल्म रही, एवरेज 4 फिल्म रही, बिलो एवरेज 3 फिल्म रही और डिजास्टर 12 फिल्में रही, वहीं फ्लॉप 17 फिल्में रही। अब हम बात करेंगे सुनील शेट्टी सर की। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में डेब्यू किया फिल्म बलवान से, जो कि 1992 में आई थी। तो हम देखेंगे 1992 से लेके 1999 तक की सभी फिल्में सुनील शेट्टी सर की। 1992 में फिल्म आई बलवान, ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1993 में 2 फिल्में रही इनकी, पहली फिल्म थी पहचान जो कि बिलो एवरेज रही और दूसरी फिल्म थी वक्त हमारा है, ये फिल्म एवरेज रही। वहीं 1994 में 5 फिल्में आई, पहली फिल्म थी हम हैं बेमिसाल, दूसरी फिल्म रही गोपी किशन, ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। वहीं तीसरी फिल्म थी मोहरा, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और चौथी फिल्म थी अंत, ये फिल्म सेमी हिट रही। वहीं पांचवी फिल्म थी दिलवाले, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। और 1995 में सुनील शेट्टी सर की 5 फिल्में आईं, जिसमें पहली फिल्म थी रघुवीर, ये ब्लो एवरेज रही, दूसरी फिल्म थी टक्कर, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वहीं तीसरी फिल्म थी गद्दार, ये फिल्म फ्लॉप रही। वहीं चौथी फिल्म थी सुरक्षा, ये फिल्म ब्लो एवरेज रही। वहीं पांचवी फिल्म थी एक था राजा, ये फिल्म फ्लॉप रही। 1996 में 6 फिल्में आई सुनील शेट्टी सर की, पहली फिल्म थी विश्वासघात, ये फिल्म फ्लॉप रही। वहीं दूसरी फिल्म थी रक्षक, ये फिल्म फ्लॉप रही। वहीं तीसरी फिल्म थी सपूत, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। और चौथी फिल्म थी शस्त्र, ये फिल्म बिलो एवरेज रही। वहीं पांचवी फिल्म थी कृष्णा, ये फिल्म एवरेज रही। 1997 में सुनील शेट्टी सर की 6 फिल्में आई। नंबर 1 है ढाल, ये फिल्म फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म थी जज मुजरिम, ये फिल्म एवरेज रही। तीसरी फिल्म थी कहर, ये फिल्म एवरेज रही। चौथी फिल्म थी भाई, ये फिल्म सेमी हिट रही। वहीं पांचवी फिल्म थी पृथ्वी, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और छठवीं फिल्म थी बॉर्डर, ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1998 में सुनील शेट्टी सर की 3 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी हमसे बढ़कर कौन, ये फिल्म फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म थी आक्रोश, ये फिल्म फ्लॉप रही। और तीसरी फिल्म थी विनाशक, और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 1999 में सुनील शेट्टी सर की 3 फिल्में आईं। पहली फिल्म थी काला साम्राज्य, ये फिल्म डिजास्टर रही। दूसरी फिल्म थी बड़े दिल वाला, ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। और तीसरी फिल्म थी हू तू तू, और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस तरह से 1992 से लेकर 1999 तक सुनील शेट्टी सर की 30 फिल्में आईं, जिनमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, सुपर हिट 1 फिल्म रही, सेमी हिट 4 फिल्में रही, एवरेज 4 फिल्म रही और बिलो एवरेज 4 फिल्म रही, वहीं फ्लॉप 13 फिल्में रही और डिजास्टर 2 फिल्म रही। दोस्तों अब आपको बताना है गोविंदा या फिर सुनील शेट्टी में से किसकी फिल्में आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और 90 के दशक का कौन सा सुपरस्टार आपका फेवरेट है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोज मिलते रहेंगे।